विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने ग्राम पंचायत कुरल में 5 लाख से निर्मित सामुदायिक केंद्र का लोकार्पण और पर्यटन विभाग से कुलदेवता ठंबा महादेव मंदिर के 5 लाख के सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि 2,45,00,000 रुपए की लागत से उठाऊ पेयजल योजना कुरल सिहोटू व मरहू का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें टैंकों के निर्माण के अलावा पेयजल वितरण प्रणाली का सुधार करने के साथ 500 नए नल भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुरल रक्कड़ और सिहोटू में पेयजल सुधार के लिए 15 लाख रुपए से ट्यूबवेल स्थापित किए गए हैं और इसका लाभ आम आदमी को प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उठाऊ सिंचाई योजना कुरल के कमान क्षेत्र के विकास के लिए 1,20,00,000 से RCC कुहल का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से सजग रहने और इसके बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालना की जरूरत है। लोगों की सुविधा के लिए सुलह हल्के में सभी PHC स्तर पर कोरोना वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि कुरल हेल्थ सब सेंटर में भी वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कुरल में पंचवटी वाटिका, ठंबा महादेव मंदिर में शेड बनाने को 5 लाख और पंचायत घर के लिए 5 लाख देने की घोषणा की। कुरल क्षेत्र में RCC कुल का निर्माण किया गया है, लगभग 1,20,00,000 रुपए इसके ऊपर खर्च हुआ है। उठाऊ पेयजल योजना कुरल सिहोटू व मरहू का निर्माण, टैंकों का निर्माण हो रहा है और वितरण प्रणाली जो है सारी पाइपों को बदलने का काम शुरू हो गया है। हर घर में लगभग 500 नल जो है हम हर घर में लगाएंगे। 2,45,00,000 हर घर में हम नल लगाएंगे, ये भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। जल जीवन मिशन में और कुरल पंचायत के अंतर्गत एवं नया ट्यूबवेल लगाकर चलाया गया है, इससे कुरल सहित रक्कड़ व सिहोटू गांव का पानी की समस्या का समाधान किया गया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं आपके नजदीक का हूँ, कभी आपको लगता होगा आप बात करते रहें, समझाते रहें और आपके मन में कभी कोई मलाल हो, उन बहनों को सामाजिक पेंशन 1,000 रुपया महीने की लगाई जाएगी। ये तोहफा 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इससे पहले ग्राम पंचायत कुरल की प्रधान रजनी देवी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और पंचायत में सामुदायिक केंद्र के अतिरिक्त भवन का लोकार्पण और कुलदेवता मंदिर ठंबा के सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन के लिए आभार प्रकट किया। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नरिपजीत निप्पी की रिपोर्ट।